Assalamu alaikum, Facebook family. Welcome to my page Learn English with Suhail Yusuf. So today I'm with you with a new lesson of English language. तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो विद इन अ फ्यू मंथ्स यू विल गेट अप इन इंग्लिश. तो बिल्कुल आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे इस पेज पे, लेकिन वो ग्रामेटिकल यू नो पॉइंट ऑफ व्यू से थे. अब मैंने बिल्कुल प्लान किया कि मैं आपके साथ इंशाल्लाह डेली बेसिस पे वेरी बेसिक लेवल से वीडियोस को शेयर करूंगा. लेकिन सबसे पहले हम वोकैबुलरी को कवर करेंगे, साथ साथ कुछ इंग्लिश से उर्दू में सेंटेंसेस को कवर करेंगे, जिनकी वजह से एटलीस्ट जो वेरी इनिशियल बिगिनर्स होंगे उनके लिए बहुत ही आसान होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. लेकिन इससे पहले एक बात कहूं, फॉलो कमेंट और लाइक विद शेयर करना ना भूलिए. इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए. आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप इंग्लिश बिल्कुल सीख जाओगे. लेकिन इट विल टेक टाइम. ये झूठ है कि दो महीने में इंग्लिश सीख सकते हैं, एक महीने में इंग्लिश सीख सकते हैं, ये गलत बातें हैं सारी. टाइम, हर किसी चीज को टाइम लगता है. अगर हम कुरान मजीद की तरफ देखेंगे, कुरान मजीद में एक छोटी सी सूरत है, उसका जो बिगिनिंग एंड एंड मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको पता चलता है कि टाइम और सब्र में क्या ताल्लुक है. अल्लाह ताला ने उस सूरत में फरमाया, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल लजीन आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सबर. तो यहां पे मुझे बात जो मुद्दा कहने की है, जो बात मुद्दे की है, वो है कि वल असर कसम है जमाने की, फिर आखिर में एंड किया गया है बिस सबर पे. तो सब्र और वक्त का बहुत गहरा ताल्लुक है. जो इंसान सब्र कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक लेसन पढ़ी, दूसरी लेसन पढ़ी, तीसरी लेसन पढ़ी, चौथी लेसन पढ़ी, तो धीरे धीरे वो स्टेप वाइज ऊपर चला जाएगा. लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं एक वीडियो देखूं या एक वीडियो सुनूं तो मेरा इंग्लिश हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत बात है. इट विल टेक यू टाइम, स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, यू विल गेट इनटू इट. ये मेरी गारंटी है आपसे. चलिए मैं रोजाना आपको 5-5 वर्ड्स यानी वोकैबुलरी की दूंगा और 5 सेंटेंसेस उर्दू टू इंग्लिश यानी इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन जिनकी होगी, जिससे आपको बिल्कुल किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, ना कॉपी की ना पेन की. बस यू हैव टू वॉच वंस ट्वाइस और थ्राइस दिस वीडियो यानी एवरी वीडियो. तो चलिए आज का पार्ट 1 वोकैबुलरी का स्टार्ट करते हैं. So the first word of today is anyone. Anyone का मतलब है कोई भी. Anyone, कोई भी. दूसरा word है anything. Anything, कुछ भी. Anything, कुछ भी यानी कोई चीज भी. However, जो भी, जो कोई भी. However, however, ताहम या फिर भी. एंड द लास्ट वर्ड इज वायर एवर, जहां कहीं भी. वायर एवर, जहां कहीं भी. तो सबसे पहला वर्ड हमने क्या पढ़ा, एनीवन यानी कोई भी. सबसे दूसरा वर्ड हमने पढ़ा एनीथिंग, कुछ भी. एनीथिंग, कुछ भी. तीसरा पढ़ा हमने हु एवर, कोई भी, जो कोई भी. हाउ एवर, फिर भी या ताहम. और पांचवा वर्ड हमने पढ़ा वेयर एवर,
जहां कहीं भी। तो थैंक यू सो मच, आज के 5 वर्ड्स आ गए, एनीवन एनीथिंग हूएवर हाउएवर व्हेयरएवर। होप आप इन 5 वर्ड्स की प्रैक्टिस करोगे और इनका मीनिंग याद रखोगे, तो एटलीस्ट आई विल गिव यू मोर देन 1 लाख वोकैबुलरी। जितना टाइम हमें लगे हम आराम से करते जाएंगे, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट हम डेली बेसिस पे इसके साथ लगाएंगे, इंशाल्लाह वक्त आने पर हम पूरी तरह से बिल्ड होंगे। थैंक यू सो मच, वस्सलामुअलैकुम।